अभिनंदन है। इस छोटे से अंतराल के बाद आप देख रहे हैं MH1 न्यूज पर हमारी खास पेशकश, वो खास पेशकश जिसके जरिए आपकी जिंदगी भी संवर सकती है, आपके रिश्ते भी मधुर हो सकते हैं और आप एक कदम आगे बढ़कर अपने धर्म को जान सकते हैं। ये जान सकते हैं कि देवी देवताओं का महत्व, त्योहारों का महत्व, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का महत्व क्या है। और चलिए इसी चर्चा के लिए हम फिर से अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं उनका, जो अभी तक हमें ये बता रहे थे कि त्योहारों को कितनी मिठास के साथ मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे अपने रिश्तों को मधुर करें, कैसे त्योहार को मनाएं। सबसे बड़ी बात यही है, त्योहार मनाना हर कोई चाहता है लेकिन जानता हर कोई नहीं है। तो यही जानने का जो एक भाव हम सबके मन में होता है, उसी को शांत करने के लिए और ज्ञान की लौ प्रज्वलित करने के लिए स्वागत करते हैं विश्व विख्यात जो ज्योतिषाचार्य भी हैं और जो प्रकांड पंडित भी हैं। हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री सुनील भारद्वाज जी की। गुरुदेव, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत सुंदर कथा हमने श्रवण की, आपने बहुत सुंदर कथा हमें बताई। अब आपसे जानना चाहेंगे भैया दूज पर पूजन विधि क्या हो, कैसे हम क्या करें, क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, हमें तो इतना पता है कि ईश्वर जो है वो भाव के भूखे होते हैं, तो हम तो सिर्फ तिलक करके और आरती उतार के और वो गोला देके, जिसे गोला कहा जाता है, सूखा नारियल, वो देकर हमें तो लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो प्रकांड पंडित हैं, क्या पूजन विधि है आज की? देखिए, इसमें परंपरा ये है कि जब हम यम द्वितीया यमराज के जैसे आने की खुशी मनाई और विदाई उनको कर दी और आशीर्वाद प्राप्त किया, इसकी एक सरल विधि है भैया दूज की, कि आप पूजा की थाली, ये वो पूजा की थाली है जो आपकी दिवाली की चली आ रही है। दिवाली पे जिस पे आपने पूजा पाठ करी वही थाली आपकी इस्तेमाल होगी। अच्छा, नई थाली नहीं ले सकते इसमें? ये भी एक नई बात हमें आज पता चली आपसे। 5 दिन का पर्व जी, जो धनतेरस पे आपने आह्वान किया देवता का, वही आह्वान रहेगा, क्योंकि उस पर खील है गिरी हुई। यहाँ खील बताशे हैं जी। खील हमारा तात्पर्य है, थोड़ा सा भाव समझ लें, खील इसलिए दिवाली के दिनों में इस्तेमाल की जाती है, खील का तात्पर्य होता है कि कोई चीज की बढ़ोतरी हो, जब उसको वो भूजता है, यानी कि बड़बूजा जब बनाता है ना उसको, तो वो फैल जाती है, यानी कि आपका संपत्ति फैले, आपका परिवार फैले, आपकी प्रसिद्धता, आपकी ख्याति बढ़े, इसलिए खुल्लियों फुल्ली भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं, इसलिए खील का इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली पे लामा फेरे में भी खील का इस्तेमाल, चावल का भी इस्तेमाल कर सकते थे, मगर खील का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी बताया गया, वो फैलती है संपत्ति, यश कीर्ति बढ़े, खील वाली थाली आप इस्तेमाल करें। एक और है इसमें, गोला हो, गोला हो, अक्षत रोली अलग से भी आप रख सकते हैं, उसमें आप बना के रखिए, सुपारी रखिए, 5 सुपारी हो, पान हो, जिसको हम पुंगी फलम भी बोलते हैं, वो पंडित लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं पूजा में। यहाँ पे आपने देवताओं के लिए दीप जलाना है, देसी ही का दीपक जलाएं आप, गऊ का बने तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आप बहन और भाई, अब इनका दोनों का मुख का बहुत बड़ा तात्पर्य है, दोनों का जो मुख हो वो उत्तर और पूर्व मुखी ही हो, भाई का मुख उत्तर मुखी करके रखें, भाई ने थोड़ा सा, जैसे हम लक्ष्मी गणेश को अपने अपनी तरफ थोड़ा आकर्षित करते हैं, ऐसे ही इनको भी अपना मुंह दोनों को मिला के रखना चाहिए, पास एक दूसरे की तरफ देख सकें, ताकि अब बहन जब तिलक निकाले तो जो उसको सरलता से, गणपति का मंत्र आता हो, सर्वमंगल मांगल्य आता हो, विष्णु का आता हो, कोई भी जो उसको मंत्र आता हो, मंत्र उच्चारण के साथ तिलक करें, अक्षत रोली लगाए, मौली बांधे, मौली बांधने के साथ साथ कुछ ना कुछ उसको मिष्ठान भोग आदि अवश्य दे। ऐसे ही भाई का फर्ज है यथाशक्ति, अब हमने यथाशक्ति इसलिए सोची, पता लगा हम तो बता दें चांदी का सामान, वो क्या हमारे पास पैसे नहीं है, पंडित जी ने तो बता दिया बड़ा लंबा खर्चा जी, यथाशक्ति श्रद्धा से होनी चाहिए, जो आपके मन को स्वीकारनीय हो, हमने ये शब्द बोल दिया कि जो आपके मन को लगे वे स्वीकार करता हो, मन में ये देखूं तो मुझे कोई घाटा नहीं है, पता लगा बहन को तो दे दिया, माता जी को रात शाम को जाने के बाद कह रहे हो मैंने तो खर्चा बहन पे कर दिया, तो उसका फल नहीं मिलेगा, फिर वो फायदा फलहीन है। दान वो जो कष्ट न दे शरीर को, जो आपकी आत्मा ना दुखाए, इस तरह की पूजा का विधान है, इस तरह आप बहन को विदाई करें। अच्छा, उसमें एक और बात है, छोटे बच्चे हैं बहन के, उनको कुछ ना कुछ पोशाक आभूषण जो आपकी श्रद्धा हो वो अवश्य दें, क्योंकि उनको खाली नहीं जाने दें, अपने जो दामाद हैं आपके या जीजा हैं आपके, उनका भी सम्मान तिलक करें, उनको भी दें, उनको भी जो यथाशक्ति आप देना चाहते हैं वो दीजिए। एक और बात है इसमें कि भोजन करें साथ मिलकर,
भोजन करें साथ मिलकर, पूर्व मुखी भोजन करें, पूर्व मुखी पहले उन्हें भोजन ग्रहण कराएं, उनका पूर्ण सम्मान करें, भोजन के साथ पान आदि दें, फल आदि दें, जो आपसे बनता है मिष्ठान आदि जो घर में बनाए तो अति उत्तम। दिवाली के दिन है तो आपके घर में पूर्णतः मिष्ठान होता होगा, वो मिष्ठान दें। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और बता देते हैं, सभी राशि वालों को भी बता देते हैं, जैसे मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि वाले लाल कुछ मिष्ठान आदि दे सकते हैं, वृष राशि वाले गोले की नारियल बर्फी दे सकते हैं, गोले की नारियल बर्फी देना बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले तो वो परमल की हरी रंग की बर्फी दे दें, कर्क राशि वाले दे दें कुछ चांदी के वर्क वाला दे दें, वो मिष्ठान खिला दें। ऐसे ही सिंह राशि वाले गोले की बर्फी दे दें, कन्या राशि वाले परमल की हरी बर्फी खिला दें, हरे फल खिला दें, पान खिला दें कन्या राशि वाले। फिर तुला राशि वाले फिर चांदी के वर्क चढ़े हुए कोई पदार्थ खिलाएं तो बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले गुड़ के बने पदार्थ खिला दें या केसर से बने पदार्थ खिला दें, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसी धनु राशि वाले अगर आके कोई नारियल की जैसे बर्फी होती है वो पीले रंग की केसर युक्त बर्फी खिला दें धनु राशि वाले। तो धनु राशि चक जैसे हमने बताया, ऐसे मकर राशि और कुंभ राशि वाले कोई लोहे के पात्र के बने, लोहे के पात्र में जैसे कुछ मैं रखा हुआ कोई सामान हो, जैसे आजकल तो बहुत सारे बाजार में सामान मिलता है पंचमेवा वगैरह, उसमें रख के उनको खिलाएं भोग दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, उनको कोई स्लेटी कलर के आभूषण भी दे सकते हैं, वो भी देना उनके लिए बड़ा हितकारी रहता है। और मीन राशि वाले अगर देखें तो मीन राशि अंततः ये भी केसर युक्त कोई मिष्ठान भोग कराएं या पीले रंग की बर्फी खिलाएं तो उनके लिए बड़ी हितकारी रहती है, भाई बहनों के इससे संबंध जो है मधुर हो जाते हैं। तो ये पूजा का एक पूर्णता विधान है, विदाई अच्छी तरह हो, खुश मन से आप कीजिए, जो भी पर्व मनाए जो भी त्यौहार मनाना चाहते हैं वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में मनाएंगे तो देवताओं को वो त्यौहार ग्रहण होगा और आपकी राशि को बल मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये एक विधान। क्या बात है, इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा ज्ञान शायद हमें कहीं और सुनने समझने को नहीं मिलता, क्योंकि हम त्यौहार तो मना लेते हैं लेकिन हमारे मन की जो कड़वाहट है, जो आपसी मतभेद हमारे मन में पनप गया है, हम उसको दूर नहीं रख पाते। हम सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी के लिए या फिर अपने स्टेटस को ज्यादा बड़ा करने के लिए ये सोचते हैं कि हम ये भी दे देंगे ये भी दे देंगे, और देने का भाव नहीं होता, सिर्फ अपना स्टैंडर्ड अपना स्टेटस पंडित जी में कई बार झलकाना होता है, इसलिए हम बड़ा सामान देते हैं। लेकिन सामान भले ही आप कम दें, धनराशि भले ही आप कम दें, आप सत्कार उनका भले ही कम कर पाए लेकिन अपने भावों में कमी ना रखे, यही है भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों का महत्व। और दीपावली से लेकर धनतेरस से लेकर छोटी दीपावली बड़ी दीपावली जो गोवर्धन पूजा है और आज भैया दूज पर ये त्योहारों की कड़ी समाप्त हो रही है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि भले ही ये सप्ताह समाप्त हो रहा है त्योहारों का खुशियों का, लेकिन आपके जीवन में त्योहारों का उत्साह उत्सव कभी समाप्त ना हो, बल्कि उत्सव नहीं बल्कि आपके जीवन में हर दिन एक महोत्सव के रूप में रहे, आपके परिवार में खुशहाली हो, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का सरस्वती जी का अन्नपूर्णा माता का वास रहे और आप सदैव खुशहाल रहे, आपके परिवार में मिठास रहे और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप भी आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी चलते चलते हमारे दर्शकों को कि उनका जीवन सदैव आनंदमय रहे। पर्वों का तात्पर्य होता है कि हम अपने जीवन में अंधकार को दूर करें, मात्र एक प्रकाश की किरण को अंदर लाने की आवश्यकता है, अंधकार को उठाकर बाहर नहीं रखना। तो प्रकाश की किरण आती है उत्सव से, मिलन से, संस्कार से, तो वो आप अंदर ले आइए, आपका हर दिन मंगलमय होगा, ऐसी हमारी शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया आज के तमाम जानकारियों के लिए, दीजिए इजाजत और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका ये त्यौहार आपके जीवन में, आपके भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में सदैव खुशहाली और मंगल कामनाएं जो आपकी हैं उनको पूरे करने वाला हो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।